देखें बेटा, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, है ना। सी और ए 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल इजी सा सवाल है। पहले सबका निकाल लेते हैं एक दिन का काम। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/1 a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इनका हम करेंगे, इनका सबका करेंगे, एक दिन का निकालेंगे तो 1/12 + 1/15 + 1/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 180। 180 अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 15 + 15 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12, ठीक है। + 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9। 15, 9, 24, 24, 12, 36 हो गया। और 36 है ना, 36 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 से नीचे लाएंगे 10 आ जाएगा। मतलब तीनों जो हैं एक अगर काम को एक साथ करें तो कुल मिला कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में तीनों एक साथ मिले काम कर लेते हैं। और तुम्हें कह रहा है सिर्फ एक ही, एक कितने दिन में काम करेगा, तब मालूम है कि तीनों जो काम करते हैं तीनों मिलकर करते हैं कितने दिनों में, 10 दिन में। तो एक दिन में करेंगे 1/10 काम। और चूँकि बी और सी एक साथ मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, तो 1/10 में से 1/15 घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 + 10 = 30 - 15 × 2 = 23, मतलब 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 दिन में। नेक्स्ट चलेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो बेटा इस तरह का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है तो आप लोग क्या करते हो, ऊपर का मासा निकालते हैं। ऊपर का मासा 14, 42, 21 का मासा कितना हो जाएगा, 7, और नीचे वाले का लासा निकालते हैं, लासा कितना हो जाएगा, 330। इसका मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वर्गमूल है तो सिंपल सी बात है, वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब एक इसका वर्ग है, तो इसमें देख लो इसे एक इसका वर्ग हो जाएगा, इसी का वर्ग कर दो डायरेक्टली, तुम साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका वर्ग कर दो। इसका वर्ग करोगे तो आपके पास में 2 + 5 + 2 √10 आ गया, वही बात वैल्यू है। इसका मतलब इस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे अपन, नेक्स्ट अपन ने कर लिया 102। अब चलेंगे अपन 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक वर्ग, एक 103 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या है, एक वर्ग एक संभाव त्रिभुज के एक भुजा उभयनिष्ठ है। देखो एक वर्ग है और इसमें एक संभाव त्रिभुज है, इनकी दोनों की भुजाएँ उभयनिष्ठ हैं। अगर एक भुजा 4/3 है, जैसे मान लो एक 4/3 है, तो निश्चित है कि ये भी 4/3 ही होगी और ये भी 4/3 होगी। तो इसका कह रहा है कि पूरा परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करना है तो इसका मतलब है कि इसमें तो दो ही भुजा है, तो 4/3 मतलब 8/3 तो इस त्रिभुज में हो गया। और एक 4/3 मतलब 3 × 4/3 मतलब 12/8 = 20 हो गया। तो 20/3 को भाग दो मतलब 6 × 2/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम। अब इसमें कह रहा है कि 99 से विभाजित करो, तो 99 से विभाजित करने का मतलब ये इजी सा है। 99 से विभाजित करने से मतलब क्या है, 1 मिनट, 99 से विभाजित करना है। विभाजित करने का मतलब है कि आप 99 से विभाजित करने के बजाय आप इसमें 11 और 99 से विभाजित करके देख लो, तो आप देखोगे ये पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें 11 और 99 से दोनों से विभाजित हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट। पाई क्या है, एक विशेष प्रकार की अपरिमेय संख्या है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे अपन। 10³x, 10³x की वैल्यू कितनी है, 125 है। देखो 10³x की वैल्यू कितनी, 125। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10^x³ = 125। तो 10^x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपने पास 5 हो जाएगा। 10^x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तब हमें कह रहा है कि भाई 10^-2x की वैल्यू यहाँ थोड़ी, इसका मतलब क्या होता है, 1/10^2x होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/10^x² मतलब 1/5^2 मतलब 1/25, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार नेक्स्ट चलेंगे बेटा। तो सिंपल सी बात है, इस संख्या को भाग देने पर भागफल इतना आता है। देखो यही है, क्या है संख्या आपके सामने, क्या है, 1616075 में आपने मान लो किसी से भाग दिया, एक्स से भाग दिया, तो जो आपका भागफल आया वो आएगा 67 और शेष पर कितना आ गया आपका, 43। जब इनको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब हो गया 160, जिसमें आप भाग देते हो, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, तो 167 × x + 43 सॉल्व करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 96 आएगा ना, 96 आपका ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अपन। 107 के बाद अपन 108 पे करेंगे कंसंट्रेट। 108, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं होती 15। गंजा ले जावा, गंजा ले जावा, तो ना भाई कहाँ लाएँगे, आवा।
15। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या का पाँच गुना स्थिति है। बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या का दुगना। जैसे मान लो बड़ी संख्या हमने y मान ली और छोटी मान लो हमने x मान ली, तो बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या का पाँच गुना से तीन अधिक है, तो 2y-5x = 3। ठीक है, और उसी प्रकार से कह रहा है कि बड़ी संख्या का चार गुना छोटी संख्या का तीन गुना = 71। ये दो से इक्वेशन बन गए, इन्हें दोनों सरल कर लेंगे तो अपने पास में ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सरल करने के बाद। या इसका मान रख कर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और उसे आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है ना, वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, भुजा का वर्ग होता है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 16 है, और चौड़ाई मान लो बी है, तो 16 चौका 64, तो चौड़ाई कितनी होगी, 4 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, वही 4 पूछते हैं। ए अब फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 गुना मतलब 1.5 गुना है, जिसका मतलब अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है तो निश्चित है कि घाटा होगा। अब विक्रय मूल्य अगर मान लो विक्रय मूल्य एक्स है तो क्रय मूल्य हो गया 3/2x, तो घाटा कितना हो जाएगा, x/2 घाटा हो जाएगा, है ना, x/2 कितना हो जाएगा, घाटा हो जाएगा अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, तो कट गया बराबर 33.33/1/3, है ना, का हानि होगी ना, कितने की हानि होगी। नेक्स्ट चलेंगे। अब इसको अपन ने डिवाइड करना है, इसको अपन डिवाइड करेंगे जैसे 12, डिवाइड करना है आप लोगों को मालूम होगा कैसे डिवाइड करते हैं अपन। 12 जैसे डिवाइड कर लो आप इसमें, 12 को डिवाइड करो, 12 9 में 108 हो गया, है ना, नहीं 12 96, 5 5 48, 4 52 ना, 4 आ जाएगा ना इसमें, 2। इस तरीके से आप कर लेंगे इसको डिवाइड करके डायरेक्टली। नेक्स्ट चलेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के पास में, इसमें क्या है कि गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना, तो आप इकाई वाले अंक का गुणन कर लो, 8 6 कितना हो गया, 8 6 48, 8 आ गया, 8 9 मान लो 72 हो गया, 2 आ गया, 2 2 4 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। माध्य कितना दिया गया है अपने पास में, माध्य दिया गया 4.5, इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य ज्ञात कर लो, पहले इनको सबको जोड़ो, तो 5 12 12 7 19 5 32 4 36 3 39 41 42 तो 42 x 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = कितना आ गया, 4.5। 10 से डिवाइड करोगे तो x वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ गया, x की वैल्यू अपने पास में आ गई 3, जब हमने रखा था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। आप क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में रख लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, 1 2 1 2 3 3 4 5 5 7 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब कह रहे हैं माध्यक क्या होगा, माध्यक देख लो, 10 10 है, 10 का माध्यक 10/2 मतलब पांचवा और छठे पद का योग, 2 3 4 5 4 5 9/2 मतलब 4.5 होगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। सांख्यिकीय विचरण का विश्लेषण जो है आर ए फिशर ने किया था, सबको मालूम होगा आर ए फिशर का है। इसमें कौन सा वैल्यू है, इसमें जो ट्रायंगल है वो 1/4 ABC होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अपन, 113वां क्वेश्चन। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये तो एक ही वैल्यू, जो गुणोत्तर श्रेणी जो समांतर श्रेणी होती है वो हमेशा क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी से ग्रेटर इक्वल टू होती है, और गुणोत्तर श्रेणी जो होती है हमेशा हरात्मक श्रेणी से बड़ी
या बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ए इज ग्रेटर इक्वल टू जी एंड जी इज ग्रेटर इक्वल टू एच। नेक्स्ट चलेंगे दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल। दो संख्याओं का अंतर मान लो कितना है, अंतर कितना है a माइनस बी इज इक्वल टू फाइव, और गुणनफल कितना है 36 है। डिवाइड करके देखेंगे कितना आ जाएगा 5/36। इनको डिवाइड करोगे तो a से कट जाएगा, इनको डिवाइड करोगे b से भी कट जाएगा, तो वन मतलब 5/36 आ जाएगा, ठीक है। बीसवीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान कौन थे, श्री रामानुजन थे। आगे चलेंगे किसी कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्र मतलब होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना है 660। अब कह रहा है कि ये तथा लंबाई का चौड़ाई दुगनी है, लंबाई की चौड़ाई जो है दुगनी है, चौड़ाई तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो लंबाई जो है दुगनी चौड़ाई की, तो बी इंटू एच, एच कितना है 11 है, अरे 2 हो गया, तो 11 6 66 मतलब हो गया 60, ठीक है। 3 2 6 b, तो b बराबर हो गया 10 है ना, b बराबर कितना हो गया 10, और लंबाई कितना हो जाएगा 20, और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा, ठीक है। तो सब अपने पास में 200 मीटर स्क्वायर हो गया, 200 आ गया। तो इस तरीके से अपना सारा ही क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, और शायद कोई क्वेश्चन नहीं बचा है इसमें, कंप्लीट हमने सारा कर लिया। 117 हो गया, 13 वाला हो गया, ओके हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, हो गया, ये भी हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने अपना एक क्वेश्चन जल्दबाजी में फटाफट किया है, बाकी आप थोड़ा सा और भी गेस कर लेंगे, अगर थोड़ा बहुत इसका प्लस माइनस कहीं पर भी एक दो क्वेश्चन में अगर होता है तो उसको आप अरेंजमेंट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दबाजी में किया गया है, बाकी मैंने इसमें पूरा ध्यान रखा है कि कहीं भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक ना होने पाए, और इसमें लगता है मुझे कि 99% इसके ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर ही होंगे। एनीवे अगर मान लो थोड़ी बहुत प्लस माइनस होता है तो उसको आप एडजस्टमेंट कर लेंगे, और या उसको कमेंट में आप मेरे पास करेंगे, दोबारा हम उसे उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू।